मॉस्को से बहुत बड़ी जानकारी आ रही है कि शी जिनपिंग का भव्य स्वागत हुआ है। मॉस्को एयरपोर्ट पर बैंड बाजा और डिप्लोमैट्स की बारात नजर आई है। पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर दुनिया की निगाहें बरकरार हैं। चीन ने शी के दौरे को बताया है फ्रेंडशिप ट्रिप। 22 मार्च तक चलेगा शी जिनपिंग का दौरा। दोपहर करीब 3 बजे चीन का डेलीगेशन मॉस्को के वोनको एयरपोर्ट पहुंचा। वहां करीब 3:30 बजे शी जिनपिंग का विमान मॉस्को एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एयरपोर्ट पर ही रूस के मिलिट्री बैंड ने खास धुन बजाकर चीनी डेलीगेशन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया। जिनपिंग के मॉस्को पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों का बड़ा हुजूम नजर आया, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर जिनपिंग और पुतिन के बीच होने वाले इस बेहद अहम मुलाकात पर है। वहीं जिस होटल में चीन डेलीगेशन रुकने वाली है, वहां मौजूद कुछ चीन के नागरिक उनका स्वागत करते नजर आए। जिनपिंग और पुतिन की पहली मुलाकात आज शाम 7 बजे होगी। इस मुलाकात पर दुनिया की नजर है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। चीनी सरकार के मुताबिक जिनपिंग यहां शांति दूत बनकर आए हैं और उनके रूस दौरे का एक मकसद रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाना है। हालांकि अमेरिका ने पहले ही जिनपिंग के दौरे को शांति बढ़ाने वाला नहीं बल्कि युद्ध भड़काने वाला बताया है। अमेरिका को चीन के इरादों को लेकर शंका है। जाहिर है कि पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। और मॉस्को पहुंचते ही जिनपिंग ने जो कहा है उससे बड़ी हलचल मचती नजर आ रही है। और वो बोले, मुझे यकीन है कि मेरी रूस यात्रा सफल साबित होगी। मॉस्को पहुंचते ही चीनी प्रेसिडेंट का दुनिया को मैसेज, रूस चीन के संबंधों को नई गति मिलेगी इस दौरे के जरिए, ये कहा गया है जिनपिंग की तरफ से। चीन रूस अच्छे पड़ोसी और विश्वसनीय साझेदार हैं। वर्ल्ड ऑर्डर की रक्षा के लिए चीन रूस साथ काम करेंगे, ये कहना है शी जिनपिंग का। रूस की धरती पर पहुंचते ही जिनपिंग ने दुनिया को संदेश दिया। जिनपिंग ने कहा कि उनकी रूस यात्रा रूस के साथ चीन के संबंध को नई ऊंचाई देगा। जिनपिंग ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये यात्रा सफल साबित होगी और वर्ल्ड ऑर्डर के लिए रूस चीन एक साथ काम करेंगे। जिनपिंग ने दौरे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी जिक्र किया। जिनपिंग ने कहा कि वो यहाँ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता तो करेंगे ही, लेकिन पुतिन और जिनपिंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। जिनपिंग का इशारा जाहिर तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर है। जिनपिंग ने दावा किया है कि रूस से चीन के रिश्ते बेहद मजबूत हो रहे हैं। जिनपिंग के 2 दिनों के रूस दौरे का कार्यक्रम आज शाम को मुलाकात के साथ होगा। बेहद करीबी लोगों के साथ पुतिन जिनपिंग की बैठक होगी, साथ ही इसके बाद दोनों नेता डिनर करेंगे। कल यानी 21 मार्च को रूस और चीन के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में ये बैठक होगी। इसके अलावा जिनपिंग रूस के पीएम मिखाइल मिसहास्टिन से मिलेंगे। रूसी नेताओं का डेलीगेशन भी जिनपिंग से मिलेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।